हेलो बच्चों, कैसे हो? बोर्ड का पेपर चल रहे हैं, दे रहे हो? चल रहा है। आज अगर हम बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में आज केमिस्ट्री का पेपर चल रहा है और इस समय बच्चे दे रहे हैं, और फिजिक्स के अंदर मतलब स्टेट बोर्ड के अंदर फिजिक्स का पेपर चल रहा है, राइट? तो अब डेफिनेटली अगला पेपर हमारा फिजिक्स का भी है, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया था कि केमिस्ट्री का जो थर्मो एरिया है बहुत बहुत बड़ा है, तो हमें जल्दी से वो चीजें फिनिशअप भी करनी है। बहुत सारा कंटेंट है और धीरे धीरे मैं स्लोली जा रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग कि तुम्हें एक ही लेक्चर में बहुत ज्यादा लोडेड फील हो। हाँ, आप छोटे 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 जब भी आपको टाइम मिले तो आप वो वीडियोस देखते रहिए और सीखते भी रहिए, बहुत जरूरी है। मैं एक एक चीज कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम्हें मैं उसके अंदर परफेक्टली आप पूरा अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है? तो थर्मो की क्लास एक एक वीडियो आप देखते रहिए। आई विल बी कवरिंग अप टोटली, ठीक है? तो अभी तक हम वापस आते हैं। अभी तक मैंने जो करा था, आपको जो सिखाया था, वो सिखाया एंथैल्पी चेंज। हमने देखा था कुछ कुछ, हमने क्या देख लिया सर? डेल्टा एच पी जो वैल्यू है वो क्या थी? एन सी पी डी टी, राइट? और हमने डेल्टा यू भी, ये फैशन वाले फॉर्मूले भी मैं बोलता हूँ, राइट? एन सी वी डी टी, ये भी हम देख चुके हैं सर, है ना? अब बात आती है जो एक मेन टॉपिक है जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर, वैसे ये जो टॉपिक है वो केटीजी का है। असलियत में अगर हम बात करें कि केटीजी का, केटीजी बोले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है? फिजिक्स के अंदर आता है आपका, और वहीं से ये टॉपिक है मेनली। तो आज मैं थोड़ा सा इसी का ही आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या चीज, ठीक है? चलो, तो क्लास डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर, मेरे पास बहुत सारी गैसेस होती हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना? जैसे कि मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, पॉलीप्रोटिक, बहुत सारी गैसेज है हमारी, राइट? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गैसेस। तो अब बात आती है कि सर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? सर, आजादी। डिग्री ऑफ फ्रीडम आजादी है ना, कितनी आजादी से वो कहां कहां घूम सकता है, कहां कहां ट्रेवल कर सकता है, कौन कौन से वो मोशन कर सकता है, वो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, मोनोअटोमिक, है ना? मोनोअटोमिक, मोनोअटोमिक जो गैसेस होती हैं, जैसे मोनोअटोमिक बोले तो जिसमें सिंगल एटम होता है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ऑल दैट स्टफ। तो जो मोनोअटोमिक जो गैसेस होती हैं सर, दे कैन ट्रेवल इन द एक्स एक्सिस, दे कैन ट्रेवल इन अ वाई एक्सिस, दे कैन ट्रेवल इन अ जेड एक्सिस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर, जो मेरी मोनोअटोमिक गैस है, इट हैव अ थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी? थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि आपको पता है सर कि कौन कौन से मोशंस होते हैं। ट्रांसलेशनल होता है जो स्ट्रेट जाता है, लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन होता है ना? दूसरा मोशन क्या होता है? रोटेशनल होता है ना? रोटेशनल, ये हमारे होते हैं, राइट? दो ये हमारे जो मेन मोशन होते हैं, रोटेशनल होते हैं और ट्रांसलेशनल होता है। एक मोशन और होता है जिसका नाम है वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड, सही है? क्या होता है? वाइब्रेशनल मोड। तो अगर हम मोनोटॉमिक गैस की बात करें तो सर, इट विल हैव अ थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर, तीन वो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है? नाउ अब हम बात करते हैं, तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है सर? डायटॉमिक की अगर हम बात करें सर, अगर हम डायटॉमिक गैस की बात करें सर, ये डायटॉमिक गैस है सर, ये भी ऐसे जा सकता है, इट कैन ऑल्सो एक्स एक्सिस जा सकता है पूरा का पूरा, सर पूरा का पूरा वाई एक्सिस की तरफ जा सकता है, पूरा का पूरा जेड एक्सिस की तरफ जा सकता है। अगेन सर, इट विल हैव अ, ये किसके लिए है? ये डायटॉमिक के लिए है ना? तो इट विल हैव अ थ्री ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन सर, इस समय इट विल हैव अ टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे सर जी? इसके अबाउट घूम सकता है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन, इसके अबाउट भी घूम सकता है ऐसे ऐसे, राइट? इसको लिया और ऐसे ऐसे घूम गया, इसको लिया, इसको ऐसे ऐसे घूम लिया, तो इट विल हैव अ टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? तो डेफिनेटली सर, दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए, हाँ या ना?
तो तीन तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए और दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। अच्छा सर, ठीक है सर। वाइब्रेशन होगा? हाँ होगा, लेकिन ध्यान सुनना, वाइब्रेशन जो मोड होता है इट विल ओनली ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि तभी तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा भाई। जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट जब करेगा, जब हाई टेम्परेचर होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तभी तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा गुरु जी। तो हाई टेम्परेचर भी ही वाइब्रेशनल मोड का रोल आता है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, वो लोग डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो। तो वाइब्रेशनल मोड अभी के लिए जस्ट स्किपिंग अप। तो टोटल आपके कितने हो गए? पांच, पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्योंकि काफी उसमें कंफ्यूजन भी होता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। नाउ अभी आ जाओ आगे, अब आ जाओ तीसरा। तीसरा केस कौन सा है सर? ट्राइटोमिक का है ना। तीसरा केस कौन सा है सर? ट्राइटोमिक का। अब सर ट्राइटोमिक में बात करूं तो ये लीजिए, ये ट्राइटोमिक का लीनियर मॉलिक्यूल है। ये कौन सा है? लीनियर, आपको दिख रहा है। एक ट्राइटोमिक सर ऐसा भी हो सकता है, नॉन लीनियर वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। अब सर इसमें कैसे पता लगेगा? सर ये भी तीन ट्रांसलेशन तो हो ही सकते हैं, ऐसे 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 सेम, ये भी ऐसे जा सकता है सर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल अगर हम बात करें सर, इसके अबाउट घूमेगा या इसके अबाउट घूमेगा? रोटेशनल तो सेंटर का कोई मतलब ही नहीं है बीच में, तो दो रोटेशनल हो गया है ना। अच्छा सर, आपका दो रोटेशनल हो गया। अब बात आती है सर कि कैसे हम डिसाइड करेंगे बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है सर। क्या होती जा रही है? कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती भी जा रही है जैसे जैसे आप देख रहे हो, तो इससे समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सर इसके अबाउट आप क्या डिसाइड करोगे? सर तीन रोटेशनल हो जाएंगे, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट। तो आपने बोल दिया सर तीन रोटेशनल और तीन ट्रांसलेशनल, तो टोटल हो गए छह। सर कैसे हम डिसाइड करें ओवरऑल, हाउ शुड यू डिसाइड इट? कैसे हमें पता लगेगा? सर तीन ट्रांसलेशन आपने बता दिए, सर रोटेशनल आपने इसके दो बता दिए, हाउ, क्या वो करेक्ट भी है? तो इसीलिए हमने एक जनरल फॉर्मूला देता हूं मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, 3a - r। 3a - r, a क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, और r क्या होता है? इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। a क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, और r क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, राइट। अब हम मोनोटॉमिक पे लगा के देखते हैं। ये मोनोटॉमिक गैस थी, रिलेशन है किसी के साथ? नहीं है। तो एटम कितने हैं? एक। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए सर? तीन हो गए, सही है। डायटॉमिक पे लगा के देखते हैं सर, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? दो। तो 3 × 2, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप कितना है? एक है सर। तो दिस, तो यानी कि टोटल हो गए पांच, लॉजिकली पांच आ रहे थे हमारे। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पे लगा के देखते हैं सर, कितने रिलेशन है? तीन है, और कितने एटम्स हैं? तो आपके तीन। तो 3a - r, 3a - r, तो 3 × 3 - 3, यानी कि 9, 9 - 3, 6, 6 आ गए तीन, जिसमें कि आपको पता है तीन ट्रांसलेशनल हैं और तीन ही रोटेशनल हैं। अब आ जाओ सर लीनियर मॉलिक्यूल। अब आप यहां पे देखना डिफरेंस पाओगे, 3a - r अगेन, तो 3a, a कितना है भाई साहब? तीन है अगेन। रिलेशनशिप कितनी है सर? दो है। तो 9 - 2 सर 7, सर आपके तो सर पांच ही आए थे, तो अब ये दो कहां से हैं? तो सर दो हमारे जो आते हैं इसके अंदर वो वाइब्रेशनल मोड के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं वो 7 ही आता है। इसलिए मैंने आपको वही बोला कि यहां से अब समझना मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे आपके एटम्स बढ़ते हैं। तो देयर इज द बेस्ट फॉर्मूला व्हिच आई हैव गिवन टू यू, ये मेरा जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। टोटल आपके 7 हैं, इसमें टोटल आपके कितने हैं? 6 हैं, इसमें 5 हैं, और इसमें आपके 3 हैं। ठीक है, तो अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हम निकालते हैं इसका, किस तरीके से गामा की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, किस तरीके से गामा की वैल्यू निकाली जाती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें समझ में आया, और काफी रिलेशनशिप्स आज मैं आपके सामने इसलिए पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला ये पार्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो इसके अंदर अब एक लॉ आता है, इसका नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो हम डिस्कस करने जाएंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना क्लास, वहीं से ही हमारी आप बोल सकते हो कि पिक्चर जो बनती है वो स्टार्ट बनेगी। वाइब्रेशन मोड पे भी आऊंगा क्लास अभी, और क्वेश्चंस भी तुम्हारे साथ में करूंगा। तो क्या है
लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, कौन सा लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ each degree of freedom contribute half kBT of energy. ध्यान रखना, according to this law each degree of freedom contribute half kBT of energy, ठीक है, राइट. ध्यान रखना रोटेशनल के लिए, फॉर वाइब्रेशनल मोड इट विल कंट्रीब्यूट kBT ऑफ एनर्जी, फॉर वाइब्रेशनल मोड इट विल कंट्रीब्यूट kBT ऑफ एनर्जी, राइट. ये हाफ kBT है और ये कितना है, kBT ऑफ एनर्जी है. बात समझ में आई? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट हाफ kBT ऑफ एनर्जी. तो फॉर वाइब्रेशनल मोड इट विल कंट्रीब्यूट कितनी हो जाएगी, kBT ऑफ एनर्जी, ठीक है. क्यों आता है वो भी बताऊंगा. देखो क्या होता है, आपको ट्रांसलेशनल मोशन है ना, ट्रांसलेशनल मोशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी यूज होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और तीन अलग अलग डायरेक्शन है, तो सबकी जो टोटल एनर्जी आएगी जो ट्रांसलेशनल, इट विल बी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर. तो आप देखोगे जितने स्क्वायर वाले जो टर्म्स होते हैं, राइट, जितने स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं, ईच स्क्वायर टर्म कंट्रीब्यूट हाफ kBT ऑफ एनर्जी. ये बिल्कुल इन डेप्थ है, ईच स्क्वायर टर्म कंट्रीब्यूट हाफ kBT ऑफ एनर्जी. ईच, ध्यान से समझना ये बात, ईच स्क्वायर टर्म कंट्रीब्यूट हाफ kBT, बल्कि हाफ kBT ऑफ एनर्जी. आई होप सो तुम्हें भाई kB का मतलब तो पता ही होगा, kB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, राइट. तो इसलिए हम बोलते भी हैं, अभी देखना. तो ईच स्क्वायर टर्म कंट्रीब्यूट हाफ kBT ऑफ एनर्जी. ये तो हो गया ट्रांसलेशनल के लिए. रोटेशनल के लिए आपको भी पता है हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर, और दो रोटेशनल होते हैं, हाफ इधर से और इधर से, हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर. मैं अगर डायटोमिक की बात करूं तो रोटेशनल के लिए, तो अगेन एक स्क्वायर टर्म आ गया, ये भी हाफ kBT कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी हाफ kBT कंट्रीब्यूट करेगा. अब बात आती है वाइब्रेशनल के लिए, तो वाइब्रेशनल में पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, तो वाइब्रेशनल मोड के लिए क्या आता है, हाफ के वाई स्क्वायर प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है ना, और जो तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के वाई स्क्वायर, जैसे आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है एक तो ये होगी, प्लस वो मूवमेंट भी कर रहा है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह लिख सकता हूं डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर. तो आप देख सकते हो सर, अगेन इट विल कंट्रीब्यूट टू है ना, तो ये हाफ kBT और ये भी हाफ kBT, तो इसलिए मैंने ऊपर दोनों का एडिशन kBT लिखा. ये जो है ना, ये जो तुम्हें मैं बोल रहा हूं, ये यहां से आया. तो वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूट kBT ऑफ एनर्जी, ये हमेशा ध्यान रखना. बहुत जगह बहुत कुछ अलग अलग वेरिएशंस हैं, तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल तरीके से बता दिया कि हाँ भाई लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी में आप क्या क्या लिख सकते हो. अच्छा, अब यहां से इसको यूज करते हुए जो हमारी गामा की वैल्यूज हम निकालते हैं फॉर द मोनोटॉमिक, फॉर द डायटॉमिक, फॉर द ट्राईटॉमिक, राइट, एंड या फिर पॉलीएटॉमिक इन जनरल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, वो मैं आपके सामने डिराइव करता हूं, ठीक है. kBT का क्लास बहुत भारी पार्ट तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, यहीं की यहीं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फिजिक्स में भी, राइट. हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री के अंदर एस्पेक्ट्स के लिए हम यूज करेंगे उसको, ठीक है. आओ, अब हमने देख लिया कि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी में, अब मैं सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर द मोनोटॉमिक गैस,
ठीक है, फॉर मोनोटॉमिक गैस, फॉर मोनो अटोमिक गैस। अब मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है सर? आपने बताया अभी अभी तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितनी? तीन है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? तीन। अच्छा सर, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी मोनोटॉमिक गैस की तीन आ गई है, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट कितनी है? हाफ के बी ऑफ एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल आपकी कितनी हो गई सर? थ्री इंटू हाफ के बी टी, क्लास सही है, थ्री इंटू हाफ के बी टी। तो ये जो मेरी एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई सर? थ्री बाई टू के बी टी। इट मीन्स एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, सही है। अब अगर एक मोल के लिए निकालनी है तो क्या करते हो आप? इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट फॉर वन मोल, एन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, एन ए क्या एवोगाड्रो नंबर, तो यानी कि थ्री बाई टू, थ्री बाई टू के बी इंटू एन ए इंटू टी। एवोगाड्रो नंबर के लिए ये किसके लिए है? फॉर वन मोल। और सर सबको पता है, गली के बच्चे बच्चों को पता है कि के बी इंटू एन ए क्या होता है? आर, क्या होता है? आर, गैस कॉन्स्टेंट। तो यानी कि एक मोल की एनर्जी कितनी हो गई? थ्री बाय टू आर टी, ओके। अब मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ उसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कितना आ गया? थ्री बाय टू आर। और आपको तो याद है अभी 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 देखा हमने, डी यू इज इक्वल टू एक मोल के लिए कितना होगा? सी वी डी टी। तो सी वी की वैल्यू कितनी होती है? डी यू अपॉन डी टी, है ना। तो इसको मैं सी वी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट सी वी हियर। तो सी वी की वैल्यू कितनी आ गई? थ्री बाय टू आर, ओके। एंड मेयर्स रिलेशनशिप, राइट, इसका भी क्लास हम प्रूफ देखेंगे। सी बी माइनस सी वी इज इक्वल टू कितना होता है? आर। तो सी बी की वैल्यू कितनी होती है? थ्री बाय टू आर प्लस आर, यानी कि फाइव बाय टू आर, है ना। और फिर सर गामा की वैल्यू कितनी होती है? सी पी बाय सी वी। और सी पी कितना है? फाइव बाय टू आर, वो कितना है? तो ये देखिए मेरा फाइव बाय थ्री। तो गामा की वैल्यू ऐसे हम निकालते हैं फॉर द मोनोटॉमिक गैस, सिंपल, राइट। तो इंटरनल एनर्जी निकाली, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी तीन थी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है हाफ के बी टी ऑफ एनर्जी, तो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन से मल्टीप्लाई कर दिया खुशी खुशी। उसके बाद टोटल एनर्जी इतनी आ गई। अब ये तो थी एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, देखो ना आ गया इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हम बात करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो इसे डी यू जीरो करते हैं हम, राइट, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डी यू इज इक्वल टू थ्री बाई टू के बी टी इंटू एन ए, यानी थ्री बाई टू आर टी आ गया। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मुझे सी वी मिल गया, सी पी माइनस सी वी मेयर रिलेशनशिप से सी पी की वैल्यू आ गई, और गामा सी पी बाय सी वी। सिमिलरली अभी मैं डायटोमिक का तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम अगर डायटोमिक गैस का देखें, आइए अभी क्लास में वाइब्रेशन मोड इंक्लूड नहीं किया है, ध्यान रखना। अब अगर फॉर डायटोमिक, ठीक है, फॉर डायटोमिक, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है सर? अभी अभी आपने बताई पाँच, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? पाँच। अच्छा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर पाँच हैं तो इट मीन्स इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगेन फाइव इंटू हाफ के बी टी, क्योंकि मैं ये पाँच वो मान रहा हूँ विदाउट इंक्लूडिंग द वाइब्रेशनल मोड, क्योंकि एक वाइब्रेशन आराम से पॉसिबल है, ठीक है, उसका फंडा अलग से बना दूंगा कि कितने वाइब्रेशनल मोड होंगे, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। जस्ट आपको अभी जितना नॉर्मल आपके क्वेश्चन आते हैं वो इसी पे आते हैं, अगर हाई टेम्परेचर स्पेसिफिकली बोलता है तो वाइब्रेशन मोड हम कैलकुलेट करेंगे। तो 5 बाई टू के बी टी, ठीक है। अब अगर हम बात करें अगेन, ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, तो एक मोल के लिए कितनी होगी? 5 अपॉन 2 के बी इंटू एन ए इंटू के बी इंटू एन ए इंटू टी, ठीक है। और के बी इंटू एन ए सर कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना, वन मॉलिक्यूल के लिए, दोबारा से बता रहा हूँ, ये किसके लिए है? वन मॉलिक्यूल के लिए। ये किसके लिए है? वन मोल के लिए है। तो 5 बाई टू आर टी, ये किसके लिए आ गया? अब डिफ्रेंशिएट करूँगा डी यू बाई डी टी, कितना आ गया? 5 बाई टू आर, है ना। और ये क्या होता है सर? सी वी। तो फिर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो सी पी कितना आएगा? 5 बाई टू आर प्लस आर, यानी कि 7 बाई टू आर, राइट। और अगेन गामा कितना होता है? सी पी अपॉन सी वी, ये कितना हो जाएगा सर? 7 बाई फाइव, ये लो, सिंपल, क्लियर है, राइट। तो हमने डायटोमिक का भी निकाल दिया।
अब आ जाओ ट्रायटोमिक के केस में भी। ट्रायटोमिक के केस में नॉन लीनियर भी है और लीनियर भी है। आओ देखते हैं, क्लास देख लिया ना, सिंपल है। यू 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम, नो चेंज, ठीक है। आओ अब आ जाओ आगे फटाफट आ जाओ जी। फिर मैं n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी निकाल दूंगा, तुम्हारा एक रिलेशनशिप भी आता है। हाँ भाई बच्चों, तो हम जो देख रहे थे, हमने आपकी डायटोमिक गैस का हमने निकाल ही लिया था, ठीक है। तो अब कंटिन्यू कर रहे थे हम किसको, अब ट्रायटोमिक के लिए, ठीक है। अब ट्रायटोमिक के लिए नॉन लीनियर के लिए हम देखेंगे गामा की वैल्यू, राइट। अब ध्यान से देखना, मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको ध्यान हो नॉन लीनियर के लिए, अब हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं, ट्रायटोमिक के लिए। किसके लिए निकालने जा रहे हैं बच्चों, किसके लिए निकालने जा रहे हैं, ट्रायटोमिक के लिए, राइट। किसके लिए निकालने जा रहे हैं, ट्रायटोमिक के लिए। तो ट्रायटोमिक में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ नॉन लीनियर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉन लीनियर के लिए याद होगा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी, आपको ध्यान होगा सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी, सर 6 आई थी। आपने बताया था सर 3 ट्रांसलेशनल था प्लस आपका 3 ही रोटेशनल था, 3 रोटेशनल मोशन थे, याद है ना। तो 3 आपके हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट हाफ के बी डी ऑफ एनर्जी, ये आपको पता है ना। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट हाफ के बी टी ऑफ एनर्जी। तो अगर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है हाफ के बी टी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं सर, 6 हैं, आपको भी दिख रहा है। तो 6 × ½ kBT, तो ये हो गया गुरुजी आपकी कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सेम फंडा जैसे आपने अभी देखा। तो 3 kBT आ गया, ध्यान रखना ये आपकी एक मॉलिक्यूल के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं ये किसके लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए है, है ना। अच्छा अब अगर एक मोल के लिए निकालनी है तो सर सबको पता है क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, Na, Na मतलब अवोगाड्रो नंबर, बार बार रिपीट करवा रहा हूं। और ये क्या होता है, R होता है, तो 3 RT, क्या हो गया 3 RT, ये किसके लिए हो गया भाई साहब, एक मोल के लिए, ठीक है, ये U हो गया। अब सर जी फिर DU/DT निकालूंगा, सेम सर सेम, तो 3R आ गया, और ये आपको पता ही है क्या होता है, CV होता है, आप देख ही रहे हो मेरे साथ जब से। तो CV = DU/DT, यानी कि वो 3R आ गया। अब फिर मेयर्स रिलेशनशिप फिर जिंदगी में आएगा तो फिर आ जाएगा, तो CP = 3R + R, सर जी 4R आ गया, ध्यान रखना। अब सर जी गामा की वैल्यू क्या है, CP/CV, तो सर ये तो 4/3 आ गया। तो आपको अगर मैं बात करूं तो नॉन लीनियर के लिए हमारी गामा की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, ये जो टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे जितने भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप ही देख चुके होंगे राइट, नॉन लीनियर का आपने देख लिया अच्छे से राइट। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायटोमिक लीनियर की, क्लास ध्यान रखना, ट्रायटोमिक लीनियर में आपको थोड़ी सी एम्बिग्यूटी नजर आएगी, क्यों आएगी दिखाता हूँ, और ध्यान से रखना ये बात को, समझ लेना ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो चीज़ है वो चीज़ है अभी के लिए, जो चीज़ है ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली पाई गई है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रायटोमिक के लिए अगर आपने ध्यान दिया हो, लीनियर के लिए किसके लिए देख रहा हूँ, पहले मैं नाम लिख देता हूँ भाई साहब वरना कंफ्यूज रहोगे, लीनियर के लिए, तो लीनियर के लिए मतलब ये हो गया अब अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ तो आपने सर बताया था कि 3A - R, 3 एटम है आपके, कितने एटम हो गए सर, 9, 9 - 2 यानी कि 7। लेकिन सर एक और चीज़ है, तो टोटल डिग्री ऑफ जो फ्रीडम्स आती हैं, 3 एटम्स हैं, तो 3 × 9 आती हैं, है ना, 9 आती हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आती हैं, तो 9 आ रही हैं टोटल, और उसमें से 7 कब है, जब लो टेम्परेचर है राइट। लेकिन सर हमने ऑब्जर्व किया है कि जो उसके वाइब्रेशनल मोड आते हैं वो टोटल 4 आते हैं, सर कैसे, क्योंकि याद करो कल मैंने आपको लॉजिकली भी बताया था कि सर इसमें 3 तो ट्रांसलेशनल होते हैं राइट, याद आया, और 2 रोटेशनल होते हैं ठीक है, क्लास हमेशा समझो राइट, रिजल्ट के पीछे नहीं भागना, समझना है, कॉन्सेप्ट इज द मेन की टू सक्सेस ठीक है। टाइम लगे, फिजिक्स वही सब्जेक्ट है तो मज़े लेके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हाँ जी सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ना है, मज़े लेने के लिए, नंबर अपने आप आएंगे
तो तीन ट्रांसलेशनल है प्लस दो रोटेशनल है, दो रोटेशनल मोशन होता है, तो यहां से भी सर मेरे पांच आते हैं, ध्यान से समझना, तो यहां से भी मेरे क्या आते हैं, पांच आते हैं, और फॉर्मूले से हिसाब से सर सात आ रहे हैं, और टोटल जो है वो नौ है, टोटल हमारे नौ है, राइट। अच्छा, और तीन ट्रांसलेशनल है, तीन आपके कितने हैं, ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल कितने हैं, दो हैं, तो आपके सर यहां से तो बैठ रहे हैं वाइब्रेशनल मोड, चार वाइब्रेशनल मोड कितने आ रहे हैं सर, चार आ रहे हैं, इट मेक द सेंस। लेकिन सर हमने जो पाया है, हमने गामा की वैल्यू भी जो पाई है वो डिफरेंट पाई है, तो वो आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस। तो तुम अब क्या करना, सुनो, वाइब्रेशनल जो मोड है वो डेफिनेटली चार ही आएंगे। होता क्या है कि जो आपके पांच तो जो टोटल है जो नॉर्मल है, मतलब तीन ट्रांसलेशनल दो रोटेशनल, जो दो और वाइब्रेशनल मोड है, इट इज बीइंग एसोसिएटेड विद दिस ओनली एट लो टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है वाइब्रेशनल मोड कब आते हैं, हाई टेम्परेचर पे आते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी दो वाइब्रेशनल मोड इज एसोसिएटेड विद दिस ओनली। तो हम यहाँ पर सारी जो कैलकुलेशन करते हैं वो सात लेके करते हैं, 7 × 0.5 kVT, ठीक है, तो दो उसमें ही वो अटैचमेंट हो जाती है, तो इट इज कंसिडर्ड दैट। तो इसलिए ये थोड़ा सा हटके है और जगह से, और जितने हैं बाकी इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इसी में ही है, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हम गामा की वैल्यू निकालेंगे वो हम 7 यूज करके निकालेंगे, कंसिडरिंग ऑल, जबकि लॉजिकली हम देख रहे थे 5 आया था, ये हमने स्टार्टिंग में भी बात की, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, तो 7 है, सिर्फ वही बात आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी, 7/2 kVT आएगी, नहीं आएगी, और ये तो अगेन एक मॉलिक्यूल के लिए आएगी, बस यहीं पे। अब बाकी सेम, बाकी काम सारा का सारा सेम है जो आप देख रहे हो। तो du/dt, बल्कि उससे भी पहले एक काम करो, एक मोल के लिए कितनी होगी, 7/2 RT, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब kV × NA, तो ये एक मोल की हो जाएगी, ठीक है। तो du/dt इज इक्वल टू 7/2 R, और ये किसके इक्वल है सर, CV के इक्वल है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और CP - CV अगेन मेयर्स फॉर्मूला आ गया, तो CP इज इक्वल टू R+7/2 R, राइट। तो कितना आ गया सर जी, 9/2 R, ये CP आ गया, और अगेन मेरा गामा कितना आ गया सर, 9/7। तो क्लास ध्यान रखना, अगर सेपरेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो, राइट, आप आराम से बता सकते हो कि हाई ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, रोटेशनल कितनी है, और वाइब्रेशनल कितनी है, राइट। बात समझ में आ गई, चलो खैर, तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, 7 ही है, मैं मानता हूँ एक्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसलेशनल कितनी है सर, 3 ही, आप 3 ही बताओगे, रोटेशनल कितना है सर, 2 ही बताओगे, तो डेफिनेटली वाइब्रेशन आपके 4 हो जाएंगे। तो सर इसमें कैसे, सर ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है विच इज बीइंग कैलकुलेटेड, हाँ भाई गामा की वैल्यू जब पाई गई है तो उससे साफ पता चल रहा था कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, इट मींस दो वाइब्रेशनल मोड कहीं ना कहीं उसके साथ ही लो टेम्परेचर पे अटैक कर रहे हैं, इसलिए हमने उसकी एनर्जी kVT यूज नहीं करी, इट इज बीइंग कंसिडर्ड इन देयर इटसेल्फ 0.5 kVT एज वेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो हम एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी देखते हैं, उसके ऊपर JEE में क्वेश्चन भी आता है, और इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, हर साल आता है, ठीक है, JEE हो, CET हो, NEET हो, कोई सा भी हो, आइए देखते हैं एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अब हम बात करते हैं एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लासिक KTG का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम जो कर रहे हैं, तो किसके लिए हम बात करेंगे, इफ यू हैव अ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत सिंपल, सेम प्रोसेस, नथिंग एल्स, कुछ नहीं हम देख रहे हैं। तो अगेन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी सर, याद हो गया है पूरा पूरा, 0.5 N, कितना है, 0.5 kVT, राइट, तो कितना आएगा, गॉट इट, ये N के लिए है, राइट, तो N/2 kVT आ गया। अच्छा सर, एक मोल के लिए कितना आएगा, ये अगेन एक मॉलिक्यूल के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लास, कंफ्यूज नहीं होने का, एक मॉलिक्यूल के लिए है ये। तो अब N/2 kV × NA × T, और kV × NA भाई साहब क्या होता है, R होता है, तो N/2 RT, ये मेरी इंटरनल एनर्जी आ गई, और ये एक मोल के लिए आ गया,
किसके लिए आ गया भाई साहब, एक मोल के लिए आ गया। और फिर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी यू बाई डी टी, फिर इसको सी वी बुलाता हूँ, तो ये कितना हो जाता है, तो ये एन बाई टू आर हो जाता है। फिर मैं सी पी माइनस सी वी, फिर मेयर्स रिलेशनशिप को याद करता हूँ, और सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी, तो ये लीजिए एन बाई टू आर हो जाता है, और आर कॉमन तो वन प्लस एन बाई टू आ गया, तो यानी कि आर कॉमन तो टू प्लस एन बाई टू, ये मेरा सी पी। तो गामा हो गया सी पी अपॉन सी वी, तो कितना हो गया एन प्लस टू बाई टू, और सी वी कितना है भाई साहब एन आर बाई टू, और ये भाई साहब ये भी आर था, तो आर से आर कट गया, टू से टू कट गया, तो वन प्लस टू बाई एन, ये भाई साहब गामा की वैल्यू हो गई। राइट, समझ में आ गया। तो ये गामा की वैल्यू आ गई हमारी एटॉमिसिटी बताने के लिए, एन क्या है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर। तो कुछ भी आप वैल्यू डालिए यहाँ पर डायरेक्ट, कभी कभी सीईटी में तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि हाँ फॉर्मूले बता दे, नीट में भी कभी कभी फॉर्मूला आ जाता है, और जेई में इसके ऊपर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो क्लास ये ध्यान रखना, वन प्लस टू बाय एन गामा की मेरी वैल्यू निकल के आई। अब मैं कहानी को फिर आगे बढ़ाता हूं, कंसिडरिंग दैट, सोचा है अगर तीन ट्रांसलेशन हो सकते हैं सर मैक्सिमम, क्योंकि तीन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन है मेरे, तो तीन एक्सिस हैं सर, है तो तीनों में ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा, तो तीन ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए सर। ऐसे ही तीन रोटेशन भी पॉसिबल है, और मान लो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड भी लेके चल लेते हैं, एफ वाइब्रेशनल मोड भी ले लेते हैं, ठीक है, लेट अस अज्यूम देयर एफ वाइब्रेशनल मोड। अब सर गामा की वैल्यू क्या निकलेगी और कैसे निकली, राइट, देखो आप देखते हैं, ठीक है, ये लिख लिया क्लास। चलिए गुड, नाउ अब आ जाओ आगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, क्या मान के चल रहा हूं, अरे भाई देख लो, अब मैं ये मान के चल रहा हूं सर तीन ट्रांसलेशन है जो कि मैक्सिमम है, तीन रोटेशनल पॉसिबल है वो भी मैक्सिमम है, प्लस सर इस बार पांच वाइब्रेशनल मोड मैं लेके चल रहा हूं, तो इसकी वजह से हाफ के बी टी आएगा, तो थ्री बाई टू के बी टी सर, ये तो आ गया, इसकी वजह से भी हाफ के बी टी आएगा, और इसकी वजह से आपको मैंने पहले ही बता दिया के बी टी आएगा, सही है, तो इट विल बी एफ इंटू के बी टी, आई होप इट इज क्लियर। तो ये मेरी एक मॉलिक्यूल के लिए है, किसके लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए, राइट, इसके लिए है एक मॉलिक्यूल के लिए, और एक मोल के लिए अगेन मैं क्या करूंगा, थ्री बाय टू के बी इंटू एन ए इंटू टी प्लस थ्री बाय टू, बेटा आलस नहीं, एन ए इंटू टी प्लस एफ इंटू के बी इंटू एन ए इंटू टी, सही है भाई, ये एक मोल के लिए हो गया, और इंटरनल एनर्जी फिर आ जाएगी थ्री बाय टू आर टी प्लस थ्री बाय टू आर टी प्लस एफ आर टी, तो सर जी थ्री आर टी प्लस एफ आर टी, ओके, तो आपने आर कॉमन ले लिया, तो थ्री प्लस एफ इंटू टी, तो ये यू आ गया, और डी यू बाई डी टी फिर नौटंकी सर कितना आ जाएगा, थ्री प्लस एफ इंटू आर, ये मेरा सी वी आ गया, लीजिए सर। और अब सर अगर सी वी आ गया, अगर मेरा सी वी आ गया, तो सर आपने सिकंदर का काम कर दिया, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, अरे भाई सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी, तो आर थ्री प्लस एफ यानी कि फोर प्लस एफ इंटू आर, और ये हो गया सी पी, और गामा भी खुशी खुशी आपने निकाल दिया, सी पी अपॉन सी वी फोर प्लस एफ अपॉन थ्री प्लस एफ, लीजिए सर। कभी कभी डायरेक्टली इसे फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, सही बता रहा हूँ, आ गया। तो आपने नोटिस कर रहे होंगे सेम प्रोसेस है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का,
फंडा भी सेम है बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो हमने पूरे लेक्चर में अंडरस्टैंड किया और डिग्री ऑफ फ्रीडम को जाना, अच्छे से पहचाना। सही है, तो गामा की वैल्यू भी तुम्हारी आ गई। गॉट इट क्लास? मेरे ख्याल से क्लियर होगी होगी बात। ठीक है चलो, तो जल्दी से अब गामा की लिख लीजिए अच्छे से, कि तुम्हारा आराम से सीईटी बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड, अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में तो ये पीवाईक्यू भी है। गामा की वैल्यू डायरेक्टली पूछी उन्होंने कि भाई ये ऐसे ऐसे कंडीशन है तो क्या होगा गामा, सिंपल। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन है और प्लस अंडरस्टैंडिंग भी है। हाँ सर, आपने बिल्कुल बताया था, क्योंकि एक केवीटी होती है ना, और इट डिपेंड अपॉन द स्क्वायर वैल्यू, कितने स्क्वायर टर्म्स आते हैं, राइट? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। क्लियर? नाउ यहां तक हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा के दिखाता हूँ। केमिस्ट्री में डेफिनेटली हम केमिस्ट्री का पार्टी कर रहे थे, वो तो मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम सिखाना था, तो केटीजी के अंदर में आया और मैंने आपको सारा मूल मंत्र इसका सिखा दिया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, क्या आपको थोड़े से क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ताकि सर हमें समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करने हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं बैठ के, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं। शेप्स पता होनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग आपको ध्यान हो, केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग की हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। आइए थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। तो भाई क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन हैं सर। CO2 का उन्होंने पूछा है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तीनों ही पूछे हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो सर सबसे पहले CO2 पीछे बना लो, C डबल बॉन्ड O, दिस सर लीनियर है, पहले केस लीनियर आ गया सर। तो लीनियर के लिए आपको पता है ट्रांसलेशनल मोड कितने हैं, अभी अभी बताया था सर, तीन है। रोटेशनल सर जी कितने हो सकते हैं, सर दो हो सकते हैं, और टोटल आपके टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं सर 3n, है ना, वाइब्रेशनल मोड भी पूछे हुए हैं, तो टोटल कितने होते हैं 3n, और नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर, तो आपके कितने हो गए, 3 3 9 9 हो गए, तो 9 -3 -2 यानी कि 4, यानी कि Fv हो गया मेरा 4, यानी कि वाइब्रेशनल मोड जो हो गए वो हो गए 4। ये हो गया हमारा CO2 का। ठीक है, दूसरा जो सर जी मोनोटॉमिक का हीलियम, सर क्या है इसमें, हीलियम का पूछा हुआ है, ये तो हमने एग्जांपल ही लेके चले थे। सर ट्रांसलेशनल हमारा कितना होता है, 3 होता है, रोटेशनल हमारा होता ही नहीं है, यहाँ किसके बेचारे अबाउट रोटेट करेगा, अकेला प्राणी है, राइट, अकेला तो वैसे ही कोई पहाड़ नहीं उखाड़ सकता, तो ट्रांसलेशनल मोशन ही है, टोटल भी आपका वही है, तो देर इज नो रोटेशनल, देर इज नो वाइब्रेशनल, क्योंकि वाइब्रेट करेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, अब आ जाओ अमोनिया, हटके है थोड़ा सा, लो अमोनिया, अमोनिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखो सर जी, ये है ना, और आपको दिख रहा होगा कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, n 4 थीजा यानी कि 12। ट्रांसलेशनल सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, रोटेशनल कितने हो सकते हैं, लास्ट रोटेशनल कितने हो सकते हैं बताओ जल्दी से, रोटेशनल कितने होंगे, अरे बता दो यार, रोटेशनल सर 3 होंगे ना मैक्सिमम, मैंने आपको बताया ना 3 डायमेंशनल में घुमा सकता है, तो 3 ही होंगे ना गुरुजी, ओके। और वाइब्रेशनल मोड कितने हो जाएंगे सर, सर 12 है, सर 6 माइनस कर दो तो सर जी 6 ही बचे, तो 6 आपके क्या बन गए गुरुजी, वाइब्रेशनल मोड बन गए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो टोटल आपके कितने होंगे, 1 2 3 4 4 है टोटल, तो 4 दिया 12 हो गए टोटल। ट्रांसलेशनल कितने हो गए, 3, रोटेशनल कितने हो गए, 3, और वाइब्रेशनल कितने हो गए, 6, माइनस कर दो ना 12 में से 6, सिंपल है। ठीक है, तो आपका ये वाइब्रेशन बन गया। तो ध्यान रखना क्लास, कोई टेंशन नहीं है, पॉलीएटॉमिक के लिए भी सेम फंडा ही रहेगा, तभी मैंने आपको इससे पहले वाला जो केस लिया था वो पॉलीएटॉमिक वाला ही लिया था, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आराम से निकलेगा, क्वेश्चन भी आते हैं और केटीजी के अंदर हमारा पता चलता है। ध्यान रखना केटीजी के अंदर हमारा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास। ठीक है, गॉट इट, चलो तो अगले लेक्चर में वापस हम आएंगे केमिस्ट्री के अंदर हेस लॉ में, और हेस लॉ के हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, उस बहुत इजी फंडे से। ठीक है, ओके, बाय बाय।